हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ स्किन की बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी। मेरे फ्रेंड्स के साथ कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप लोग कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली किसी पार्टी, किसी शादी में या किसी भी ओकेशन में, लेकिन आपकी जो स्किन है वो आपका साथ नहीं देती है। मतलब बहुत ही ड्राई, डल और बहुत ही बेजान रुखी सी हो जाती है, स्पेशली इन विंटर्स में। तो आपको करना क्या है, जो रेमेडी मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ उसे फॉलो करना है। ये जो रेमेडी है वो इंस्टेंट निखार भी देगा, इंस्टेंट फेयरनेस भी देगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाता है। और इसको बहुत, यानी 2-3 दिन पहले से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज जाना चाहते हैं, आधे घंटे पहले भी इसको अप्लाई कर लिया ना अपनी स्किन पे, तो आपकी स्किन बहुत ही सुंदर हो जाएगी। और बिलीव मानिए, आपको एक पैसा भी नहीं खर्च करना है, फ्री में आप ये जो रेमेडी है वो अपने घर पे बना सकते हैं और अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी रेमेडी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो आपकी स्किन को स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, साथ ही साथ एक फेयरनेस, एक ग्लो भी देगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है ये चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो हम घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास घर पे नहीं बना हुआ है या पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो आप चावल को पानी में भिगो के रख लीजिए हाफ एन आवर के लिए, और उससे पीस के पेस्ट बना लीजिए डायरेक्ट। तो मेरे पास ये चावल का आटा है जो घर का ही बना हुआ है, इसको मैंने ले लिया है 2 चम्मच के करीब। और जो चावल का आटा है वो हमारे स्किन वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, एक्ने वाले स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, टैनिंग के लिए भी ये काफी अच्छा है। अगर आपके स्किन पे टैन है तो आप चावल के आटे में टमाटर का रस डाल के लगाएंगे तो आपकी टैनिंग काफी हद तक चली जाएगी, और साथ ही साथ ये आपके स्किन पे ग्लो भी देता है, एक चमक लेकर आता है। तो ऑल पर्पस है ये चावल का आटा अगर आप अपनी स्किन के लिए यूज करते हैं तो। अब इसमें मैं जो इंग्रेडिएंट, मैजिक इंग्रेडिएंट बोलेंगे उसको, अगर वो जो डालने जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कर्ड का, ये जो आपका जो कर्ड है ये वो हैंग वाला कर्ड है जो बिल्कुल गाढ़ा होता है ना, जिसपे पानी निकल जाता है, मैंने यहाँ पे वो कर्ड लिया है। तो मैं यहाँ पे करीब 1 चम्मच के करीब कर्ड लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी हमारे चावल के आटे के साथ। और दही भी आप सब जानते हैं हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, दही हमारे स्किन को एक ग्लो भी प्रोवाइड करता है, हमारे जो चेहरे पे छुपे हुए गंदगी, मैल, ये सब चीज़ों को रिमूव करता है, जिससे आपके स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि पिगमेंटेशन की, दाग धब्बों की, झाइयों की, या फिर किसी भी तरीके की आपके चेहरे पे डलनेस आ जाती है, आपका स्किन टोन दब जाता है, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। उसके बाद मैं जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप नहीं डालना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये विंटर्स में पैक बना रहे हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। मेरे हर विंटर्स में आपको शहद ज़रूर मिलेगा, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत है, वो उसके लिए जो काम करता है वो है हमारा शहद। तो हमने इसमें 1 चम्मच शहद मिला लिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके, देखिए एक पेस्ट तैयार हो गया है बिल्कुल फेस पैक जैसा। इसको हमें बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं करना है, इस तरीके से थिन सा पेस्ट बनाना है हमको, और ये हमारा फेस पैक बिल्कुल बनके तैयार है फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ फेस पे। फ्रेंड्स, चलिए इसको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। और उसके पहले आपको क्या करना, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको अपने स्किन को, अपने फेस को अच्छे से पानी से वॉश करना है, मेकअप को रिमूव करना है। देखिए मेरे फेस पर इस समय बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, मेकअप रिमूव कर दिया है। और अब हम अप्लाई करेंगे ये पैक जो मैंने अभी बनाया है, और इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको ड्राई भी कर सकते हैं, और अगर ड्राई नहीं करना है आपको तो मिनिमम 15 मिनट्स तक अपने फेस पे रखना है, और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। और अगर आप इसे ड्राई कर लेते हैं तो ड्राई करने के बाद इसको निकालना कैसे है, पहले पूरे फेस पे पूरा वेट कर लेना है पानी से, और धीरे धीरे हल्के हाथों से ऐसे मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में करते हुए इसको निकालना है। तो ये आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब आपको इंस्टेंट फेयरनेस भी देगा, साथ ही साथ एक ग्लो भी देगा आपके फेस पे।
तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मुझे अगर कहीं बाहर जाना रहता है या इंस्टेंटली मुझे पता चलता है कि मुझे कहीं बाहर जाना है तो फटाफट ये चावल का जो आटा है वो मेरे पास बना हुआ रखा है, इसको दही में, टमाटर में या शहद में, कच्चे दूध में, भी आप बना सकते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो मलाई में भी इसका पैक बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अच्छा थिक पेस्ट अप्लाई कर लिया है, आपको भी इस तरीके से थिक पेस्ट अप्लाई करना है और आप इसे नेक एरिया पे लगा सकते हैं, बॉडी पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, हैंड पे, लेग्स पे, बॉडी पे, शोल्डर पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको मैं सूखने के लिए रख दूंगी और फिर उसके बाद चेहरा वॉश कर लूंगी। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना फेस हाफ एन आवर के बाद वॉश कर लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना, मतलब एक ग्लोइंग, एक शाइनिंग, एक चमक आ जाती है फेस पे। ये विदाउट मेकअप फेस है और इसके बाद अगर आप पार्टी शादी वगैरह में जा रहे हैं और मेकअप करेंगे ना तो एक अलग सा ग्लो आएगा आपके फेस पे, एक अलग से चमक दिखेगी। अदरवाइज जो अगर आप डल हेयर, डल फेस पे भी अगर आप मेकअप करते हैं ना तो आपका फेस बहुत ही ज्यादा गंदा लगेगा, वो जो मेकअप का एक लुक होता है ना वो नहीं आ पाएगा, बहुत ही गंदा दिखता है। तो इस तरीके से आप फेस पैक बना लीजिए, लगाइए और ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितनी सपल स्किन लग रही है, देख रहे बिल्कुल बेबी सॉफ्ट जैसी स्किन लग रही है और बहुत ही क्लीन, बहुत ही ब्राइट, एक चमक सी आ जाती। तो इस पैक को आप जरूर ट्राई करिए, मैं बोलूंगी बिल्कुल 100% रिजल्ट देगा और इसको आप रेगुलर बेसिस पे ट्राई करिए, सिर्फ एक बार के उसमें आप रिजल्ट 100% मत विश्वास करिएगा कि 100% एक बार में आएगा, आप इसे लगाते रहिए, अपने रूटीन में लेकर आइए। ऐसे मैंने खूब सारे आपके साथ DIY शेयर किया है, आप हर एक चीज ट्राई करिए अपने फेस पे, देखिएगा धीरे धीरे आपका चेहरा जो है वो बहुत सुंदर हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी ब्यूटीफुल।